हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आ चुके हैं आप सबके लिए एक बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगी क्योंकि बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जहां पे दोस्तों इतने दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कि केकेआर टीम अपना मेंटोर कब अनाउंस करेगी, क्या कुमार संगकारा बनेंगे, जैक कैलिस बनेंगे, रिकी पोंटिंग बनेंगे, किनका नाम आया था शुरू में। लेकिन दोस्तों केकेआर टीम ने फाइनली ऑफिशियली अभी अनाउंस कर दिया अपने नए मेंटोर का नाम। और थोड़ा सा ये नाम सुन के मुझे शॉक लगा, क्योंकि जहां पे गौतम गंभीर पिछले साल थे उनके रिप्लेसमेंट में केकेआर ने एक ऑलराउंडर को लाया है। तो दोस्तों चलिए मैं आप सबको सबसे पहले नाम बता देता हूं। तो प्लेयर का नाम है ड्वेन ब्रावो। और दोस्तों ड्वेन ब्रावो को कौन नहीं जानता, आप भी जानते होंगे, इतने ज्यादा सक्सेसफुल वो रहे T20 क्रिकेट में बैटिंग से बॉलिंग से, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर आप उनको बोल सकते हो, कितने सालों तक वो खेले हैं। तो दोस्तों यहां पे ड्वेन ब्रावो केकेआर के न्यू मेंटोर बने हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों को सुन के थोड़ा सा शॉक लगेगा, क्योंकि जहां पे हम एक सीरियस नाम की बात कर रहे थे, एक बहुत ही बड़े नाम के बारे में बात कर रहे थे कि कोई संगकारा जैसा प्लेयर आ सकता है, रिकी पोंटिंग आ सकते हैं, अनिल कुंबले आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों केकेआर टीम ने अभी यहां पे ड्वेन ब्रावो को अपनी टीम में एज अ मेंटोर साइन किया है, गौतम गंभीर के रिप्लेसमेंट के रूप में। तो दोस्तों यहां पे मेरे हिसाब से ड्वेन ब्रावो तो T20 क्रिकेट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, पिछले 2 सालों से वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ है, वहां पे दोस्तों एज अ बोलिंग कोच अच्छा करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन मेंटोर के रूप में मुझे लगता है कि पहली बार वो काम करेंगे केकेआर टीम के साथ। और यहां पे ड्वेन ब्रावो के केस में ये है कि केकेआर के और भी जितने फ्रेंचाइजी है वो सभी जगह पे काम करने वाले, तो यहां पे केकेआर के मेंटोर भी रहेंगे इस साल, और बाकी सारे फ्रेंचाइजीज में भी ड्वेन ब्रावो काम करने वाले हैं। और आपको बताया कि ड्वेन ब्रावो बहुत सालों से केकेआर फ्रेंचाइजी में खेल रहे हैं, मतलब टीकेआर की तरफ से वो खेलते हुए लगातार आ रहे हैं सीपीएल में। और यहां पे अभी देखने वाली बात ये, मुझे उतना ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आप लोगों की क्या ओपिनियन है इसको लेके वो आपको जो से बताना है, लेकिन मेरे हिसाब से ड्वेन ब्रावो जितना एक्सपीरियंस है उनके पास T20 क्रिकेट का, जितना मतलब मैंने बताया कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर है, तो दोस्तों इसी हिसाब से अभी केकेआर टीम ने ये डिसीजन लिया है, और बहुत पहले ही ये डिसाइड हो चुका है। जैसा कि ESPN क्रिकेट इन्फो ने बताया कि कुछ दिन पहले जब वेंकी मैसूर मिले थे उनसे, तो वहीं पे जो ये साइन हो गया था कॉन्ट्रैक्ट, और अभी केकेआर टीम ने ऑफिशियली ये चीज अनाउंस कर दिया है। तो दोस्तों यहां पे अभी देखते हैं कि इसको लेके मैं थोड़ा और ज्यादा रिसर्च वगैरह करूंगा, तो मैं आप सबको क्लियर से बता पाऊंगा कि क्या ड्वेन ब्रावो केकेआर के फिट हो पाएंगे केकेआर में एज ए मेंटोर, या फिर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है। तो दोस्तों यहां पे चलिए आपको अपनी ओपिनियन जो से कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी ऑफिशियली कम से कम केकेआर ने अनाउंस तो कर दिया, इतने दिनों से यहां पे हमें लग रहा था कि कौन आएगा, लेकिन केकेआर टीम ने अभी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। तो इस बार हम ड्वेन ब्रावो के साथ चंद्रकांत पंडित की जोड़ी देखने वाले हैं, उम्मीद करेंगे कि ये जोड़ी भी गौतम गंभीर और चंदू सर की तरह अच्छा काम करेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, जो भी अपडेट था मैंने आप सबको बता दिया, होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल पे आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाती है, तो इस वजह से टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, और कमेंट करके आपको अपनी ओपिनियन जोर से बताना। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।